हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि मैं पॉसिबली टोनी खान काफी जल्दी कौन सी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई देने वाले हैं और इसके अंदर विंस मैकमैन का किस तरीके से हाथ है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली AEW की रैंकिंग्स वापस आ चुकी है, तो फर्स्ट टाइम रैंकिंग्स क्या है, कल के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है और हमें हाल ही में हुए जेरिको के क्रूज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइस, ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल पर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW की तरफ से काफी जबरदस्त डायनामाइट शो था। और गाइस, हमें इस शो पर AEW की तरफ से कुछ काफी जबरदस्त चीजें देखने को मिली है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें शो के व्यूअरशिप की, तो गाइस इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब करीब 3% कम हो चुकी है। और जहां पर लास्ट वीक डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 837 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक की व्यूअरशिप आई है 818 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर थोड़ा फार ये ड्रॉप है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें 18-49 इस डेमोग्राफिक की, तो 18-49 इस डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सिर्फ 0.2% से कम हुई है, जहां पर लास्ट वीक डायनामाइट शो को 18-49 इस डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग्स मिली थी 0.27, तो इस वीक की रेटिंग्स आई है 0.26, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि माना कि इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थोड़ी फार कम हुई है। लेकिन गाइस, इन नंबर्स के अंदर कोई ड्रास्टिक चेंज तो नहीं है। लेकिन इसके साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो भी वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर तीसरे नंबर पर आता है, जो कि इसके पहले दूसरे नंबर पर था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि पोजीशन के अंदर भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पर ये शो इतना जबरदस्त शो था कि मुझे लग रहा था कि शो की व्यूअरशिप बढ़ सकती है, लेकिन देखना पड़ेगा कैसा कब तक होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और गाइस जरा बात करते हैं AEW के रैंकिंग्स की और जानते हैं कि आखिरकार रैंकिंग्स वापस आने के बाद फर्स्ट वीक के रैंकिंग्स क्या है। तो गाइस, आपको तो पता ही होगा कि AEW के अंदर रैंकिंग्स किसी भी चैंपियनशिप के लिए कोई भी नंबर वन कंटेंडर डिसाइड करती है। और हाल ही में टोनी खान ने अनाउंस करते हुए बताया था कि मैं फाइनली रैंकिंग्स वापस आते हुए दिखाई देने वाली है। और पिछले ये रैंकिंग्स देखकर आप समझ सकते हैं कि AEW के अंदर मल्टीपल डिविजन्स होते हैं और हर एक डिवीजन के टॉप पर उस डिवीजन के चैंपियंस होते हैं और उसके बाद नीचे रैंकिंग्स होती है। पर इसके साथ ही अब नए रैंकिंग्स के अंदर चार डिवीजन हो चुके हैं, जहां पर पुराने में तीन थे, टैग टीम डिवीजन, सिंगल्स मेन डिवीजन और सिंगल्स फीमेल डिवीजन। तो ऐसे ही नए रैंकिंग्स में नए से ट्रियोस डिवीजन ऐड हो चुकी है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें ट्रियोस डिवीजन से ही, तो गाइस ट्रियोस डिवीजन के अंदर नंबर 5 पर आते हैं हाउस ऑफ ब्लैक, 4 पर आते हैं FTR और गार्सिया, 3 पर आते हैं डार्क ऑर्डर, 2 पर आते हैं द हार्डीज और ब्रिस्को, और नंबर 1 पर आते हैं बुलेट क्लब गोल्ड। और AEW ट्रियोस चैंपियन से द क्लेम और डैडी एस। जो देखा जाए तो AEW की ट्रियोस डिवीजन की रैंकिंग्स है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें टैग टीम डिवीजन की, तो टैग टीम डिवीजन के अंदर नंबर 5 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट, 4 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, 3 पर आते हैं ब्रायन और क्लूडियो, 2 पर आते हैं जॉन सिल्वर और एलेक्स रेनल्स, और नंबर 1 पर आते हैं स्टिंग और डार्बी एलन। और स्टील चैंपियन से रिकी स्टार्स और बिग बिल, जो कि AEW के टैग टीम डिवीजन के लिए रैंकिंग्स है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें विमेंस डिवीजन की, तो विमेंस डिवीजन के अंदर नंबर 5 पर आती है मराया में, 4 पर आती है स्काई ब्लू, 3 पर आती है हिकारू शिडा, 2 पर आती है थंडर रोजा और 1 पर आती है डियाना पुराजो। और यहाँ पर विमेंस डिवीजन के अंदर टीबीएस चैंपियन है जूलिया हार्ट और टाइमलेस टोनी स्टॉर्म है AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियन, जो कि रही विमेंस डिवीजन की रैंकिंग्स। पर अगर हम बात करें सिंगल्स मेल डिवीजन की, तो इस रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, 4 पर आते हैं जॉन मॉक्सली, 3 पर आते हैं एडम कोपलन, 2 पर हैंगमैन पेज और नंबर 1 पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड। और स्टिल है ट्रिपल क्राउन चैंपियन एडी किंगस्टन, इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी, टीएनटी चैंपियन क्रिश्चियन केज और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन समोआ जो, जो कि AEW की इस साल के हर एक डिवीजन के लिए फर्स्ट टाइम रैंकिंग्स है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं यहाँ पर यह देखकर काफी सरप्राइज हूँ कि इन रैंकिंग्स के अंदर हमें कोई विन लॉस रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा कि कौन से सुपरस्टार ने कितने मैचेस जीते हैं और किस जरिए से वो सुपरस्टार रैंकिंग्स के अंदर ऊपर या फिर नीचे आते हैं। पर शायद इस चीज को छुपाकर AEW अपने तरीके से रैंकिंग्स बढ़ा सकती है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिर एक बार रैंकिंग्स दोबारा से देखने के लिए काफी मजा आएगा। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं कल होने वाले रैम्पेज शो की और जानते हैं कल के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है। तो गाइस, सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो पर
प्राइवेट पार्टी एक टैग टीम मैच के अंदर टॉप फ्लाइट को फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और गाइज इससे पहले हमने डायनामाइट शो पर देखा है कि एक मैच के अंदर टॉप फ्लाइट और प्राइवेट पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आए थे, जो मैच भी एक काफी जबरदस्त मैच रहा था। लेकिन उस मैच के अंदर प्राइवेट पार्टी चीटिंग कर जीती थी, इसलिए टॉप फ्लाइट यहाँ पर रिमैच चाहती थी और उन्हें यहाँ पर रिमैच मिल चुका है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब फिर एक बार टॉप फ्लाइट और प्राइवेट पार्टी एक टैग टीम मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच इतना जबरदस्त होता है। पर मेरे हिसाब से ये मैच फिर एक बार इस जनरेशन को डिफाइन करने के लिए काफी जबरदस्त मैच होगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो मुझे लगता है कि इस बार टॉप फ्लाइट ही मैच जीतने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके बीच में क्या होगा। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हम इस वीक के रैम्पेज शो पर विलो नाइटिंगेल एक वन ऑन वन मैच के अंदर क्वीन अमेनाटा को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है, जो मैच मेरे हिसाब से रैम्पेज शो पर एक काफी जबरदस्त मैच साबित हो सकता है। और मैंने आपको कहा है कि शायद क्वीन अमेनाटा भी ऑल इलीट हो चुकी है, तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन जहां तक बात इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से विलो नाइटिंगेल ही मैच जीतने वाली है। लेकिन इसके साथ ही हम इस वीक के शो पर रिकी स्टार्स और बिग बिल हमें डार्क ऑर्डर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, इसलिए देखने के लिए मजा आएगा कि जब इस वीक के रैम्पेज शो पर ये चैंपियनशिप एलिमिनेटर मैच होता है तो क्या यहाँ पर डार्क ऑर्डर रिकी स्टार्स और बिग बिल को हराकर टैग टीम चैंपियनशिप के टाइटल शॉट पाती है या नहीं। पर मुझे लगता है कि ऐसा होने के चांसेस काफी कम है और यहाँ पर रिकी स्टार्स और बिग बिल ये मैच जीतकर एक मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेंगे। पर इसके साथ ही हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड्स भी कुछ कहते हुए दिखाई देने वाले हैं, तो देखना पड़ेगा कि ये क्या कहते हैं। और हमें फाइनली पॉसिबली इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर CMLL कंपनी के सभी सुपरस्टार्स एक एटमैन टैग टीम मैच के अंदर क्रिस्टोफर डेनियल्स, मैट सैडल, एंजेलो पार्कर और डैनी मैजिक को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये मैच मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वीक CMLL स्टार्स ने मॉक्सली पर अटैक किया था और इन सब ने आकर इन स्टार्स को भगा दिया था। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब पहली बार हमें रैम्पेज शो पर CMLL स्टार्स इंक्लूड होते हुए दिखाई देते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर मेरी इस मैच से काफी हाई एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे लगता है कि CMLL के स्टार्स ये मैच जीतने वाले हैं क्योंकि ये उनकी फर्स्ट टाइम अपीयरेंस है और मुझे नहीं लगता कि वो यहां पर ये मैच हारेंगे। और इतनी ही चीजें हैं जो कि कल के रैम्पेज शो के लिए एडवर्टाइज की गई है। और इस सब के अलावा अगर कल के रैम्पेज शो पर कुछ होता है तो वो क्या है, ये आपको हमारे चैनल पर कल के रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं जेरिको के क्रूज की और जानते हैं कि इस साल जेरिको क्रूज पर क्या हुआ। तो गाइज मुझे लगता है कि अगर आप में से काफी सारे लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर साल जेरिको अपने तरफ से क्रूज पार्टी रखते हैं, जहां पर जेरिको की इस क्रूज पार्टी पर काफी सारे लोग आते हैं और इस क्रूज पार्टी पर जेरिको के कॉन्सर्ट्स, रेसलिंग मैचेस, पॉडकास्ट और गाइज गैम्बलिंग के साथ साथ हर एक चीज होती है सिर्फ ड्रग्स को छोड़कर। जो देखा जाए तो जेरिको की तरफ से ऑर्गेनाइज की हुई फैंस के लिए काफी बढ़िया पार्टी होती है। और ऐसे ही AEW का एक डायनामाइट शो भी हमें जेरिको की क्रूज पार्टी से देखने को मिला था। और ऐसे में ही हाल फिलहाल में 2024 की भी जेरिको क्रूज पार्टी हो चुकी है, जहां पर में 2024 साल के अंदर भी AEW के कई सारे स्टार्स जेरिको की क्रूज पर जाकर रेसल करते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर जेरिको क्रूज पर कौन कौन से मैचेस हुए हैं और उन मैचेस के रिजल्ट्स क्या है ये आपको हमारे चैनल के वेब एप्लीकेशन के ऊपर पता चल जाएंगे, जहां पर आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर जेरिको क्रूज पर हुए हर एक मैच के रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। पर मैं इस जेरिको क्रूज से थोड़ी बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा कि हमें इस क्रूज पार्टी पर ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट का भी मैच देखने को मिला है, जहां पर हमें सभी सुपरस्टार्स अपने फेवरेट WWE सुपरस्टार्स को ट्रिब्यूट देते हुए दिखाई दिए हैं। और वैसे भी शोस टेलीकास्ट नहीं हो रहे, इसलिए यहां पर किस तरीके से कोई लीगल इशू नहीं आता, पर यहां पर इन सबको WWE सुपरस्टार्स के मूव्स लगाता हुआ देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा है। लेकिन ऐसे में ही हमें इस क्रूज शो पर काफी सालों बाद जेरिको और बिग शो यानी कि जेरिको टैग टीम रियूनाइट होते हुए दिखाई दिए है, जहां पर इन दोनों ने अपने इस क्रूज शो पर काफी जबरदस्त मैच दिया। और ऐसे ही काफी सारे लोगों ने इस साल भी जेरिको की क्रूज पार्टी एंजॉय की है, जो बात मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जरा जानते हैं कि टोनी खान हाल फिलहाल में कौन सी बड़ी चीज करने वाले थे और इस चीज को विंस मैकमैन ने किस तरीके से इफेक्ट किया। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि टोनी खान अपने तरफ से अपने शोज को हाइप करने के लिए काफी ऊटपटांग से चीजें करते रहते हैं, जैसे कि हाल ही में वो कंट्रोवर्सी के अंदर आए थे। लेकिन इसके साथ ही टोनी खान अपने शोज को हाइप करवाने के लिए एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, जो कि अपने तरफ से एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करना। और गाइज हाल ही में टोनी खान को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि हमें टोनी खान लास्ट वीक डायनामाइट शो पर या फिर कोरिजन शो पर अपने तरफ से काफी बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई देने वाले थे, पर इवेंचुअली टोनी खान ने एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की। और गाइज ये सिर्फ इसलिए क्योंकि लास्ट वीक विंस मैकमैन को लेकर काफी सारे एलिगेशन बाहर आए थे और पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी लोग विंस मैकमैन की चीजों पर ही फोकस कर रहे थे।
और ये देखकर शायद टोनी खान को ऐसा लगा कि ये टाइम अपने कंपनी के अंदर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करने के लिए सही टाइम नहीं है, और इसलिए ही टोनी खान ने लास्ट वीक कोई अनाउंसमेंट नहीं की। लेकिन गाइस इसके बाद AEW कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हमें नेक्स्ट वीक टोनी खान अपनी तरफ से काफी बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई देने वाले है। जो अनाउंसमेंट देखा जाए तो विंस मैकमैन के स्कैंडल के चलते 2 वीक लेट हुई है, पर देखना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट वीक टोनी खान डायनामाइट शो पर आकर क्या अनाउंसमेंट करते हैं। और मुझे तो अभी लग रहा है कि टोनी खान अपनी कंपनी के अंदर कोई नई साइनिंग अनाउंस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर आप लोग इस चीज को लेकर मेरा इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से अनाउंसमेंट क्या होगी, कोई बड़ी और शॉकिंग या फिर कोई नॉर्मल। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?